अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद आप लोग सब अच्छे से होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छे से रहना भी चाहिए। तो यहाँ मैं आज आप लोगों के लिए आलू का पराठा लेकर आई हूँ, जो बहुत इजी वे में, क्विक वे में बनने वाली है। तो इसे आप लोग लंच या ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। तो इससे पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो उसको दिल से वेलकम। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा मैंने आलू कितना लिया, ये मुझे नहीं पता। आप लोग अपना अकॉर्डिंग आलू ले लेना, जितनी बड़ी आप लोगों की फैमिली, जितने मेंबर्स है, तो जिस हिसाब से आप लोगों को अपनी नमक भी लेनी है और ये सब धनिया पत्ती और मिर्चा भी। तो यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है और 1 कप मैं लेने जा रही हूँ आटा। तो यहाँ मैं आटा और मैदा, मतलब दोनों मिलाकर बनाने वाली हूँ। अगर आप लोग चाहते तो आटा का बना ले या तो आप लोग मैदा का बना ले। तो यहाँ मैं पराठा, मतलब आटा और मैदा दोनों को मिक्स करके ही बनाती हूँ। तो इस सबको अच्छा से आप लोग मिक्स कर ले। और यहाँ पर मैंने गुनगुना पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ आटा, ये पराठा को गूंदने के लिए। क्योंकि यहाँ पर आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी मत पानी, बस ज़रा सा, मतलब 1 चुल्लू टब में ले लेना। क्योंकि देखो, तो आलू तो वैसे भी बॉयल है, वो तो वैसे भी गीली रहती है, तो इस वजह। तो मैंने क्या किया, मैंने सब आलू में मिक्स कर दिया था। मतलब आलू में मैंने मैदा आटा डाला, प्लस नहीं है धनिया पत्ती मिर्चा और नमक, बस यही कुछ चीज़ें मैंने डाली है। तो मैंने इसमें डायरेक्ट मैं आलू में ही बना दूँ। जैसे एक एक पराठा होता है ना, पहले मैदा गूंद लूँ, फिर उसके बाद आलू का स्टफ मैदा में भर के होता है, तो मैं वैसे ही नहीं बना रही। आप लोगों ने देखा स्टार्टिंग में, मैंने आलू में ही सब चीज़ मैंने डाल दिया है, मैदा वगैरह मिर्चा धनिया पत्ती। तो मैं ये इस तरह के मैं बना लूँ। अगर आप लोग चाहें तो जैसे हम लोग जैसे बनाते हैं, जैसे स्टफ भर के मैदा में, तो उस तरह के भी आप लोग बना सकते हैं, आप लोग की अपनी मर्जी। तो यहाँ आप लोग अच्छे से गूंद लेनी है ये आटा मैदा जो भी ये है। तो यहाँ आप, मैं थोड़ी से मैं ऑयल ले रही हूँ। आप लोग ऑयल, यहाँ मैंने सोयाबीन रिफाइंड ऑयल यूज़ किया। आप लोग ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, या तो आप लोग घी भी स्प्रेड कर सकते हैं इसके ऊपर। आप लोगों की अपनी मर्जी, अपनी चॉइस है। तो यहाँ पर देखो, आलू का पराठा क्या, ये हर सीजन फेवरेट है, छोटे बड़े बच्चे लोगों को सबको पसंद है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ठंडा में ही आलू के पराठे बनते हैं, गर्मी में भी आप लोग खा सकती हैं। तो जैसे मोस्टली लोग ठंडे में ज़्यादा बनाना पसंद करते, आलू के पराठे हुआ या मूली के पराठे हुआ या सत्तू के पराठे हुआ। तो इन तीनों पराठों में से आपको कौन से पराठे अच्छी लगती है मुझे बताना कॉमेंट्स बॉक्स में। मुझे तो आलू का पराठा ज़्यादा टेस्टी लगता है, ये सबका ही फेवरेट रहता है, छोटे बच्चे बूढ़े सबका ही रहता है। तो यहाँ मैंने अच्छे से मैंने गूंद लिया, उसे सेट होने के लिए 10 से 15 मिनट तक छोड़ देते हैं। तो यहाँ मेरा सेट वगैरह भी हो चुका है, अब हम बॉल्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर बॉल आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ के बना सकते, छोटे बड़े बना सकते हैं। लेकिन मोस्टली क्या है ना, कोई भी पराठा बड़ा साइज़ का ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, और देखने में भी ना काफ़ी ज़्यादा यम्मी टेस्टी लगता है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा मैं बड़ा साइज़ का बॉल बना रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी बड़ी साइज़ की पराठा बनाने वाली हूँ। तो बाकी आप लोग अपना अकॉर्डिंग ले लें। तो यहाँ मेरा बॉल्स भी बन रहा है। तो अब आप लोग बताएं कि आप लोगों को सर्दी के मौसम में कौन क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब सर्दी के मौसम में जैसे ये क्या बोलते हैं, मतलब गाजर का हलवा हुआ, आलू के पराठे हुआ, या और भी जब पाव भाजी हुआ, ये सब में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है बताएं। तो यहाँ मेरे बॉल्स बन के रेडी हो चुके हैं, अब हम इसका बनाने जा रहे हैं, इसका मतलब बेलेंगे अब इसे और क्या करेंगे। तो कुछ मैं इस तरह के हाथ से मैं कर ले रही हूँ, ताकि थोड़ा इजी हो जाए बेलने के टाइम में। तो यहाँ मैंने चौकी का इस्तेमाल किया। मोस्टली लोग क्या करते हैं, ग्रेनेट में ही बेल लेते, मुझसे ना नहीं बेला जाता ग्रेनेट में। तो यहाँ मैं चौकी का ही मैं इस्तेमाल करती हूँ मोस्टली। और यहाँ मैं बेलने लगी हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने रोटी बनाने सीखी थी ना, तो मुझसे बेला ही नहीं जा रहा था, ना ही मेरे रोटी गोल बन रहे थे। ऐसे मोस्टली सब लोगों के साथ होता है, जो लोग फर्स्ट टाइम जैसे मतलब रोटी बनाने जाते हैं, तो नहीं बनती है गोल, किसी किसी की काफ़ी टाइम लगती है। तो मेरा क्या होता, मैं सीखते सीखते मैं सीख चुकी थी। अभी आप लोग देखोगे कि मेरा यह पराठा एक्चुअली में गोल बना है या नहीं बना है। तो यहाँ मैं मैदा इस वजह से ले रही थी, क्योंकि ये पता ये सट रही थी, इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा सा मैदा लेके मैं इसे अच्छा से स्प्रेड करके इसको बेल रही थी। तो ये देखो मेरा बेल ना हो चुका है, यहाँ मैंने अच्छा बड़े साइज के बना लिए है पराठे। तो आप लोग बताओ कैसा लगा,
ये देखो पूरा गोल साइज बना है कि नहीं बना है। तो अब हम लोग चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। तो यहाँ मेरा तो मैंने फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया। तो आप लोग घी का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप लोग की अपनी मर्जी है। मोस्टली लोग घी में ही पराठा बनाते हैं, तो यहाँ मैं ऑयल में बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने कम से कम ये 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल लिया, ये ज़्यादा बड़े नहीं है, ये छोटे। देखोगे अभी आप लोग, दिखाऊंगी आप लोगों को मैं, ये देखो ये इतने ही बड़े साइज़ की मैंने ऑयल लिया है। तो ये क्या है ना, दोनों तरफ आराम से हो जाएगा। तो अब ये हमारा पराठा ये बनने जा रही है। तो अब जब आलू के पराठे बनते हैं ना, इतनी अच्छी इसकी स्मेल आती है। कोई भी पराठा जब बनती है तो स्मेल इतनी अच्छी आती है ना कि ऐसा लगता है स्मेल से ही ना इंसान का क्या है, पेट भर जाता है कि नहीं। मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता है। तो ये देखो ये हमारा पराठा बनकर तैयार हो चुका है। ये देखने में इतना डिलीशियस यम्मी लग रहा है। अब आप लोग बोलोगे अपना बना रही है तो जाहिर सी बात तारीफ करेगी, तो आप लोग भी कर दो यार। यार मोस्टली आलू के पराठे सभी को अच्छे लगते, डिलीशियस लगते हैं कि नहीं, मुझे भी लगती है। तो ये हमारा पहला पराठा बनकर तैयार हो चुका है। ये देखो कैसा लग रहा है देखने में, बताओ। तो ये हमारा जो पराठा ये है लास्ट पराठा है। तो उम्मीद आप लोगों को मेरा ये आलू का पराठा का रेसिपी पसंद है। अगर पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इस तरह के वीडियोज़ के लिए मेरे साथ बने रहें। तो फिर मिलते हैं आप लोग से अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।